एकदम मुंह पे चला जुनेद नाम का एक लड़का है, अहमद लाज के जस्ट बगल में उसकी फर्नीचर की शॉप है। उस लड़के को जो है करीब 8 से 10 लोग आए और ज़बरदस्ती उठा के ले जाने लगे। तो हमने कहा कि ले जा रहे हो, क्या मामला है? तो उन्होंने कहा कि अनूप यादव इनको बुला रहे हैं, जो है वो एक क्रिमिनल है अनूप यादव, तो बुला रहे हैं। तो हमने कहा यार जो है क्यों? तो कहा भैया के यहाँ काम करने नहीं जा रहा है। तो हमने कहा अरे यार 10 मिनट बाद चला जाएगा, क्यों ले जा रहे हो मारते? उस लड़के को मारते हुए अनूप यादव के घर तक ले गए। तो जब अनूप यादव का घर और हमारा लॉज दोनों के बीच में लगभग 30-40 का कदम है। तो हमने जो है लाद के 20-25 बच्चे हम गए छुड़वाने की, छुड़वा दें उस लड़के जुनेद को। तो वो जो है क्या किए कि गोली चला रहा है, क्या बम भी चला था? हाँ बम भी चला। कितने लोग थे ये लोग मारने वाले? थे करीब 8-10 लोग, 8-10 लोग। तो आपके ऊपर किससे मारा? हमारे ऊपर मनीष और अनूप ने गोली चलाया। गोली चलाया? क्या नाम आपका? हम मोहम्मद दाऊद हैं। जो हैं उनसे बात करने के बाद ये जानकारी मिली है कि अहमद लॉज के पास में एक फर्नीचर की दुकान है जो जुनैद की दुकान है, और जुनैद से अनूप यादव ये चाहते थे कि उनका दरवाज़ा लगा दें। जुनैद ने कहा कि मैं व्यस्त हूँ। इस जानकारी पर अनूप यादव ने अपने कुछ गुंडों को भेजा और ये कहा कि तत्काल उठा कर ले आओ। उसमें उन गुंडों ने उनके साथ मारपीट की, और पास में जो लोग दो खड़े थे बादल सिंह और दाऊद, उनका इसमें कोई भूमिका नहीं है, लेकिन चूँकि पास में खड़े थे जब उन्होंने इन पर आक्रमण किया उस दौरान उनको छर्रे लगे हैं। अभी इलाज चल रहा है, कोई ऐसी खतरे की बात नहीं बताई जा रही है, और अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए एसपी सिटी के नेतृत्व में टीम लगी है। कितने लोग घायल हैं? दो लोग छर्रों से घायल हैं, एक व्यक्ति को अंदरूनी चोट।